जय साथ श्री का स्वागत है लर्निंग विद दुर्गेश में। और हमें बात करेंगे शिक्षक भर्ती की तैयारी कैसे करें, अब की बार एक्सिट हमार का सपना कैसे पूरा करें। वास्तव में कहना आसान है, लेकिन अगर आपने भी इस सपने को साकार करना चाहते हैं इस वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और हम आज आपके साथ ये जानेंगे कि नई शिक्षक भर्ती में आपको क्या क्या तैयारी में करनी है, अभी तक आपने क्या पढ़ा है, क्या क्या चीज छूट गई है और किस पर आपको फोकस करना है, कौन सी किताबें आपके लिए सबसे ज्यादा अहम है और किस किस चीज की प्रैक्टिस सेट पर आपको फोकस करना है। उसके साथ साथ 4 साल से 5 साल का समय हो गया है कि उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती नहीं आई है, लेकिन आने वाले समय में बजट सत्र के बाद एक उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती की एक जो इंतजार है वो हम सभी अभ्यर्थियों के लिए, लगभग 10 लाख अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश की इस बात का इंतजार कर रहे हैं। और उन सभी के लिए आने वाले समय में ये आने वाला साल के साथ साथ ये जो वर्तमान साल है आपके लिए एक स्वर्णिम सालों में से एक है, क्योंकि इस वर्ष में टेट और सुपर टेट दो परीक्षाएं हमें देखने को मिल सकती हैं, ऐसी तमाम संभावनाएं हैं। और आपने भी देखा जैसे केवीएस की परीक्षा में सभी 80 से 75 दिनों में विज्ञप्ति, एडमिट कार्ड और परीक्षाएं होने की प्रबल संभावना है। उसी प्रकार आने वाले समय में टेट और सुपर टेट के बीच में भी हमें आपको ज्यादा समय नहीं मिल पाएगा तैयारी करने के लिए। अगर आप टेट या सीटेट पास हैं तो आपको सुपर टेट पर फोकस करना चाहिए। यूपी टेट और सीटेट के मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, अफवाहों से दूर रहिए, अफवाह फैलाने वाले अब एकदम शांत हो गए, अब किसी प्रकार कोई मैसेज वायरल नहीं कर रहे। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री महोदय जी का जो ट्वीट आया था उस ट्वीट के माध्यम से बात स्पष्ट होता है, भर्ती प्रक्रिया उसी आधार पर होगी जैसे होती आ रही थी, सिलेबस में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, बस नई शिक्षा नीति हमें और आपको पढ़ना होगा और नई शिक्षक वृद्धि अभिरुचियां मतलब शिक्षण कौशल, जीवन कौशल और सीडीपी का सेक्शन जो है उसमें कुछ अपडेट होने मिल सकते हैं, बाकी लगभग पाठ्यक्रम एक जैसा देखने को मिल सकता है। इंटरव्यू नहीं होगा और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ये सारी बातें खारिज कर दी गई हैं। और अब आपको जो नई चीजें जाननी है, नई चीजें पढ़नी है, अब हमें कैसे हम कोशिश करें इस बार 125 अंक से प्लस लेकर आए। कहने में बहुत आसान है लेकिन वास्तव में इसके सभी विषयों को, लगभग 20 विषयों को पढ़ने के बाद हमारे आपके मन में आता है यार कहना तो बड़ा आसान है लेकिन वास्तव में इस अंक तक हम कैसे पहुंचे, 125 नंबर हम कैसे लाएं। आइए हम आपके सामने बात करते हैं सभी चीजों को। सबसे पहले अगर हम भाषा की बात करें तो शायद उम्मीद करते हैं आप चीजों को हमारे साथ भी समझेंगे और भी जानेंगे। जैसे भाषा है तो भाषा यहाँ पे तीन है, तीन भाषा इसमें हिंदी है, इंग्लिश है और संस्कृत है। ये तीन भाषाएं आप लोग को भी पता है, तीन भाषाएं आप लोग को पढ़नी है और ये भाषाएं आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। हिंदी अगर पूछे तो 20 मार्क का है, इंग्लिश 10 है और संस्कृत 10 है, ये अकेले 40 अंक का है। माने 40 अंक में हिंदी आपने बहुत बार पढ़ लिया, अगर आपने टेट में पढ़ा होगा और अभी तक आपने शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी की है तो यहाँ पर कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। इस 40 में आप जो 20 नंबर की हिंदी है, इस हिंदी में आप प्रैक्टिस सेट पर फोकस करिए, प्रीवियस सेट, क्योंकि सिलेबस की वीडियो मैंने डाल दी, सिलेबस की वीडियो को पूरा देख लीजिएगा और आपको ये पता चलेगा क्या क्या चीजें पढ़नी है। अगर ग्रामर आपने पढ़ लिया, 2-1 नंबर का पैसेज आना है, वो आसानी से आप कर लेंगे। इस 20 में आप निश्चित 18 प्लस ला सकते हैं, जी हाँ, मतलब इस बात की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर इस हिंदी में 20 प्लस आप अंक ला, सॉरी 18 के नियर अबाउट ला सकते हैं। ऐसा कोई भी अभ्यर्थी नहीं होगा, क्योंकि साहित्य यहाँ पे नहीं पढ़ना, साहित्य आपको विभिन्न पढ़ना है, इसलिए एकदम पूरी भली बातें जान लीजिएगा कि आप भाषा शिक्षण में, नहीं सॉरी भाषा व्याकरण में आप स्कोर कर सकते हैं। इंग्लिश और संस्कृत अगर हम बात करें तो इंग्लिश वालों को संस्कृत वीक है, संस्कृत वालों को इंग्लिश वीक है। तो जिनका वीक है, जैसे हम यहाँ पे थोड़ा सा एक तीर लेके चलते हैं, हो सकता है किसी का कोई वीक जोन हो, किसी का स्ट्रांग जोन हो, तो एक जिसका वीक जोन होगा 10 में, हो सकता है उसके 10 में 3 ही प्रश्न आ रहे हो, 7 नहीं आ रहे, तो 7 प्रश्न छोड़ना नहीं है, उस पर भी आपको लगाना है, जिसको हम तुक्का कहते हैं। अगर उसमें से 3 और लगे तो 3 और 3 6 हो सकता है। अगर आपने नहीं पढ़ा जैसे इंग्लिश की बात करें तो हम क्या कर सकते हैं कि हम इसको मान सकते हैं 6 प्लस होगा, थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो और बढ़िया। अगर आपको लगता है कि नहीं बहुत ज्यादा मेहनत करने पर भी आपका इंप्रूव नहीं होगा तो उसके पीछे मत पड़ेगा, नए विषय की तरफ फोकस करिएगा। संस्कृत की अगर हम बात करें, हो सकता है यहाँ पर किसी का 9 प्लस हो सकता है, किसी का 10 में 10 हो, सही हो सकता है, ये ऊपर नीचे हो जाएगा आप लोगों का भी, क्योंकि मैंने आपको एकदम साफ स्पष्ट बताया है ये भाषाई आधार पर है, जिनका जो भाषा है। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो 18, 9, 27 और 6 अगर हम बात करें 33, यहाँ पर हम 33 अंक अर्जित कर सकते हैं 40 में, हो सकता है ये 30 भी हो सकता है और ये 35 भी हो सकता है, ये आपकी मेहनत के ऊपर है। तो जो जो विषय आपको लगते हैं आपके स्ट्रांग है उसको क्या करिएगा, प्रैक्टिस पे फोकस करिए, जो आपको नहीं आ रहा, जिसमें आपका स्कोर कम हो रहा है उसे रिवीजन करने पर फोकस करिएगा। जब रिवीजन करेंगे तो तथ्य के और नजदीक पहुंचेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आपके पास किताब होंगी, किताब के साथ साथ अगर आपके पास नोट्स हो तो नोट्स पर भी फोकस करना शुरू करिएगा। तो मैं आगे बताऊंगा कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों महत्वपूर्ण है। देखिए अगर नोट्स की बात करें, बुक की बात करें तो सबसे बेहतर बुक जो मुझे आती है नजर में, मार्केट से बहुत सारी किताबें पढ़ने के बाद आप सीधा एनसीईआरटी की फोकस करिएगा, एनसीईआरटी और एससीईआरटी। एससीईआरटी मार्केट में किताबें मिलती नहीं, एनसीईआरटी की मिलती है, आपको निःशुल्क आपके किसी नजदीकी विद्यालय मिल जाएगा, एनसीईआरटी किताबें ले सकते हैं। इन दोनों के जो नोट्स हैं वो आपको इन लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पे मिल जाएंगे, 6 से लेकर 12 तक के।
ठीक है, ये सभी नोट्स जो है आपको ई-लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप में मिल जाएंगे, जो हर क्लास बार है 6, 7, 8, 9, 10, 11 बार, ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में अलग अलग उपलब्ध है। तो हमने देख लिया भाषा में आपको ध्यान देने योग्य बात है कि हो सकता है इंग्लिश वालों को संस्कृत और संस्कृत वाले इंग्लिश नहीं आएगा, तो कैसे आपको तैयारी करनी है, तो मैं ये मान सकता हूं कि आप इस तरह से कोशिश कर सकते हैं। दूसरा अगर हम बात करें जो आपके सामने आते हैं गणित व विज्ञान, गणित व विज्ञान, गणित व विज्ञान अगर हम बात करें तो यहां पर आपके मिलाकर गणित की अगर हम बात करते हैं 20 अंक है और विज्ञान की अगर हम बात करें तो 10 अंक है, 10, 20, 10, 30 होता है। ये किस अभ्यर्थियों के लिए होते हैं, ये साइंस के जो साइंस के अभ्यर्थी होते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो ईबीएस हो गया प्लस विविध हो गया, इसके मिलाकर कितने अंक होंगे, ये आर्ट कि विद्यार्थी उसका फोकस ज्यादा होता है, मेरा मतलब नहीं है कि कोई विद्यार्थी कमजोर होता है, जैसे जो विविध का सेक्शन है, जो ईवीएस का सेक्शन है, जो आर्ट के अभ्यर्थी होते हैं उन्होंने कई बार इसको पढ़ा होता है, यहां तक कि टेट में भी पढ़ा होता है और उसके पहले भी पढ़ा होता है, और गणित विज्ञान जो होता है वो जो साइंस के बच्चे होते हैं उनके लिए होता है। तो यहां पर स्कोर करने की अगर हम बात करें इन दोनों में कैसे आपको स्कोर करना है, तो इनको इनमें इनको यहां दिक्कत होगी और इनको यहां दिक्कत होगी, ये एक कॉमन होगी, मतलब मैं ऐसी चीजें बता रहा हूं जो सभी को देखना चाहिए। अगर आपको समझ में आ रहा है वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, लाइक का बटन भी दबा के रखिएगा। तो यहां पर दोनों के लिए एक दूसरे के लिए क्या है, एक दूसरे के लिए टेढ़ी खीर सी होती है। इनमें एक बातें ध्यान रखना होगा, इसमें विविध में एक सेक्शन आता है सीए करंट का, तो करंट अभी आप मत पढ़िए, जब परीक्षा नजदीक आ जाएगी तब पढ़ेगा। कारण क्या है, अभी आपने करंट पढ़ लिया और तब तक करंट पुराना हो जाएगा और आप भूल भी जाएंगे, इतना याद तो नहीं रहेगा, 4 महीने बाद, 3 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 साल बाद अगर परीक्षा होनी है तब तक करंट पुराना भी हो जाएगा और भूल भी जाएंगे। तो अभी करंट अफेयर को मत पढ़िएगा, क्योंकि यहां पर हम ये मानिए जो करंट का आता है वो 8 से 12 अंक आपके सीए के होंगे, करंट के आपके 8 से 12 अंक आएंगे या 13 हो सकते हैं, बाकी आपको विविध फोकस करना, विविध में करंट से भी होता है और जीएस जीके विविध यानी स्टैटिक जीएस की सीरीज होती है। यहां पर ईवीएस अगर हम बात करें तो अगर हम यहां पे अंकों की अगर हम बात करें कि कुल अंक कैसे कैसे आपके आने हैं, तो यहां पर ईवीएस का सेक्शन 10 अंक का है, विविध का सेक्शन 30 अंक का। यहां पर अगर हम बात करें तो जो साइंस और इसका सेक्शन है ये आर्ट के अभ्यर्थियों के लिए है, तो गणित विज्ञान की जो सीरीज है यहां पर ये आपके 30 अंक का हो जा रहा है और ये आपके 40 अंक का हो जा रहा है। तो अब जिनके आर्ट के सब्जेक्ट हैं उनको इन दोनों में दिक्कत है, लेकिन जो बायो का है उसको गणित में दिक्कत है। तो गणित में देखिएगा कि गणित जिनको बहुत डर लग रहा है, ध्यान दीजिएगा जिनको गणित में बहुत डर लग रहा है, तो कोशिश क्या करें गणित के सरल तथ्यों को पढ़ें, जो कठिन है उसको छोड़ दें। अगर आपने गणित में, क्योंकि गणित में कोई 12 कर पाएगा, कोई 15 कर पाएगा, कोई 8 कर पाएगा, तो गिरने का प्रयास मत करेगा, जो आपको कम समझ में आ रहा है उसको रिवीजन पर रखिए और बाकी अपनी मजबूती को और मजबूत करिए। गणित नहीं आ रहा है, ई-लर्निंग विद दुर्गेश ऐप पर जाइए, वहां पे आपके लेवल की वर्कशीट उपलब्ध है, जिनको सरल है कठिन है इस तरह से आपके सामने पूरी वर्कशीट है, उस वर्कशीट पर गणित की वर्कशीट को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। विज्ञान को कोशिश करिएगा एक बार एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा या एससीईआरटी, दोनों में से कोई एक पढ़ सकते हैं, उसके बाद इसके एमसीक्यू क्वेश्चन को ज्यादा ज्यादा फॉलोअप करिएगा। कोशिश करिएगा जो प्रीवियस ईयर की यूपी टेट की परीक्षा हुई है उनके गणित विज्ञान की सीरीज जूनियर के जो है उनको हल करिएगा, वो आपकी परीक्षा में रामबाण भूमिका निभाएंगे। और आज के सेक्शन के लिए आप प्रीवियस ईयर जो पेपर यूपी टेट के हुए हैं उसमें एसएसटी का जो सेक्शन है उसको पढ़ने का काम करिएगा, दोनों में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। यहां से आप 40, 30, 70 नंबर होते हैं, इन 70 नंबर में गणित और विज्ञान में उम्मीद करते हैं जो गणित विज्ञान के अभ्यर्थी नहीं है, जो आर्ट के विद्यार्थी हैं, वो अगर मैं यहाँ पे विद्यार्थियों की बात करें, जैसे यहाँ पे अगर जो आर्ट के हैं उनके कम आएंगे और यहाँ पे जो साइंस के हैं यहाँ पे उनके कम आएंगे, ऐसा उम्मीद ऐसा नहीं है कि जो मैं कह रहा हूं वो सदा सत्य ही हो जाए, ऐसा ज्यादातर देखने को मिलता है। तो आप लोग को एकदम ध्यान देना होगा एससीईआरटी और एनसीईआरटी पर फोकस करना, जैसे कुछ लोग नोट्स के लिए कह रहे थे, लेकिन नोट्स के लिए ई-लर्निंग विद दुर्गेश के जो ऑफिस का नंबर उस पर आप व्हाट्सएप करके नोट्स मंगा सकते हैं, जो आपको ये मदद करेगा कि कितनी चीजें आपको पढ़नी कितनी चीजें नहीं, किताब से पढ़ लीजिए, रिवीजन के लिए आपको नोट्स बहुत काम आने वाला है, इसलिए आप घर बैठकर नोट्स मंगा सकते हैं ताकि अबकी बार एक सेट का सपना आपका पूरा हो जाए। गणित विज्ञान हो गया और उसके बाद ईवीएस हो गया। अब जो सीडीपी का सेक्शन है, जो यहाँ पर सीडीपी का है, यहाँ पर तीन चीजें हैं, यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक तो हो गया आपका जीवन कौशल हो गया, फिर हो गया शिक्षण कौशल हो गया, फिर यहां पर आपका बाल विकास हो गया। इसमें कुछ चीजें जैसे नई शिक्षा नीति हो गई, आरटी 2009 हो गया, ये चीजें आपके जुड़ गई, ये तीनों मिलाकर आपके लिए 10, 10, 10
इसको एक बार नोट्स पढ़ने के बाद, ये प्रीवियस ईयर पेपर तो आपके पास दो ही है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना बेहतर आप अपने आप को इंप्रूव करेंगे। इसके लिए मैं कहूंगा कि नोट्स अगर आपने पढ़े, क्योंकि किताब इसमें बहुत बहुत ब्रॉड ब्रॉड दिया है, नोट्स में आपको कम में मिल जाएगा, और कम में आप इस 30 नंबर, क्योंकि एक एक पॉइंट आपके लिए माने रखता है। कुछ लोग कहेंगे अरे सर नहीं पढ़ेंगे, कोई बात नहीं। देखिए सिलेक्शन के लिए एक एक बिंदु आपके लिए माने रखती है, पॉइंट में सिलेक्शन होता है। और शायद आपके कोई आसपास के होंगे जिनको 68,000 में जो नहीं हुए, जो वंचित, उनसे जाके पूछिए, वो आपको बताएंगे कितना दुख होता है एक पॉइंट का, जहां पे मेरिट कट आउट होती है, यहां पे जिला बदल जाता है। सोचिए आपका जिला तक बदल जाता है, इसलिए बहुत माने रखता है ये 30-30 के लिए। मार्केट बहुत सारी किताबें हैं, उसके बाद आप प्रैक्टिस पर फोकस करिए। ई-लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर जाएंगे, जो प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, वहां सुपर टेट के 25 प्रैक्टिस सेट होने वाले हैं, वो आपको अगले हफ्ते तक, एक हफ्ते के बाद आपको ई-लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर पूरे क्रम से 25 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे सुपर टेट के, जो आपको आने वाले परीक्षा में काफी मदद करने वाले। उन प्रैक्टिस सेट के बदौलत आप अपने आप को जान सकते हैं आपने अभी तक कितना स्कोर किया, अभी आपको और कितना स्कोर करना बाकी रह गया है। तो इसको पूरा ध्यान से देखिएगा। इसके लिए मैं कहूंगा कि प्रैक्टिस पर फोकस करिएगा। थ्योरीज के हैं जो प्रश्न होते हैं, वो ज्यादातर व्यवहारिक प्रश्न होते हैं। जैसे कुछ सेक्शन के जो थ्योरी हो गया छोड़ के, थ्योरी के बाद इसके व्यवहारिक प्रश्न आते हैं। थ्योरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 20 प्रश्न थ्योरी टाइप के होंगे, और 10 प्रश्न ऐसे होंगे जो व्यवहार में। अगर कोई बच्चा शरारत कर रहा है तो आप क्या करेंगे, कोई बच्चा देर से आता है तो क्या करेंगे, अगर आप एक अच्छा कच्चे बच्चे शरारत कर रहे हैं तो उस दशा में क्या करेंगे, कोई बच्चा भी क्लास में बहुत रोता है, कोई बच्चा बहुत हंसता है, कोई बच्चा जल्दी होमवर्क को करके आता है, कोई बच्चा होमवर्क करता ही नहीं, मतलब बहुत सारे सवाल हैं जो व्यवहारतन है, वो आपको केवल सोच और प्रैक्टिस से ही आने वाला है। बात करते हैं कंप्यूटर और रीजनिंग की। तर्कशक्ति रीजनिंग क्या है, कंप्यूटर थोड़ा सा क्या है, अब सी लेवल की बहुत सारे मार्केट में से किताबें हैं जो प्रैक्टिस करके आप दो नंबर, इसे कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर जो है 3 नंबर कंप्यूटर है, और 2 नंबर अगर उसमें हम देखें तो आपके साथ जो ICT वगैरह है वहां से भी सवाल आते हैं। ठीक, ICT से सवाल आते हैं, इंटरनेट के साथ नेटवर्किंग से सवाल आते हैं, फुल फॉर्म से सवाल आते हैं। तो कुछ उसके माना गया कि यहाँ 5 सवाल आने, उसके बाद तर्कशक्ति रीजनिंग की बात कर, रीजनिंग भी आपके लिए उतना ही अहम और उतना ही महत्वपूर्ण है। रीजनिंग अगर गणित आपने पढ़ा है तो प्रैक्टिस पर ही कुछ गिने गिना है, 8 टॉपिक है। मैंने एक वीडियो बनाकर डाला था कि सुपर टेट के 8 से 9 टॉपिक आपने पढ़ लिया, जैसे रक्त संबंध से एक सवाल आने हैं, डायरेक्शन से एक सवाल आने हैं, या तो कैलेंडर से आएगा या तो आपका घड़ी से आएगा, दोनों में से एक सवाल है, दोनों से भी सवाल आ सकते हैं। कोडिंग डिकोडिंग आएगा और एक श्रृंखला परीक्षण पढ़ लीजिएगा, उसके बाद साधिस्था परीक्षण वगैरह है उसको पढ़ लीजिए, उसके बाद कोई प्रैक्टिस बुक आप मार्केट से ले लीजिए। आपके पास कोई ना कोई किताब ऐसी होंगी जो आपने इसके पहले पढ़ी होगी, उसको सॉल्व कर डालिए, तो वहां से भी आप स्कोर कर सकते हैं। कि एक एक नंबर आपके लिए महत्वपूर्ण हो। जो विषय आपको गणित कठिन लगता है, कुछ को गणित, कुछ को अंग्रेजी, या कुछ को संस्कृत कठिन लगती है, कुछ को विज्ञान कठिन लगता है, अगर आपको 10 से 20 नंबर जो कठिन लग रहा है उसको एक्सेप्ट कर दीजिए। जैसे हो सकता है पूरे इस सिलेबस में 130 नंबर या ऐसे मानते हैं 120 नंबर आपको समझ में आता है, प्लस 30 नंबर की तैयारी, हो सकता है इसमें कोई ऐसा सेक्शन हो जो आपको 30 नंबर नहीं आता, तो 120 नंबर को रिवीजन करिए, 30 नंबर को छोड़ दिए, क्योंकि माइनस मार्किंग होनी नहीं है, प्रश्न छोड़ना नहीं है। 30 में से अगर जय माता दी करेंगे आप उनके, आप कहेंगे सर ये कौन सी बात है, आप में जय माता दी की बात की बता रहे हैं, पढ़ाने पर फोकस करिए। देखिए जिनको नहीं आता है गणित, कितना भी मेहनत करें तो जिनको आता है अगर वो उनका छोड़ जाएगा अगर उस पर ज्यादा मेहनत करेंगे। जैसे सपोर्ट दे गणित आपको नहीं आता, आप 3 नंबर 4 नंबर 20 में पाते हैं, आप बहुत मेहनत करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे तो 3 से 13 हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे, उसके चक्कर में 130 नंबर आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। मेरी बात समझिए, इसलिए जो नहीं आता उसको छोड़ना नहीं है, वो मूर्खतापूर्ण होता है, उसको भी करना है। तो उसमें ये देखिए कौन सा विकल्प सही हो सकता है, उस दशा में भी आप 5 से 7 क्वेश्चन सही कर सकते हैं और ज्यादा पहुंच जाएंगे। तो उसको क्या करिएगा कि उसके क्या करिए, सरल टॉपिकों को पढ़िए जो आपको समझ में आता है, उसे कठिन टॉपिक को छोड़ दीजिए, हो सकता है आपके उससे 3-4 प्रश्न ज्यादा सही हो जाएं, और जो बच रहे हैं उनसे अगर आपका नसीब साथ दिया और अच्छे अंक ला पाएंगे। मतलब जो आपका वीक है उसे सीखने का प्रयास करिए, बहुत ज्यादा जोर मत लगाइए, लेकिन जो आपके स्ट्रांग है उसे कोशिश करिए कि आपके रिविजन करके और स्ट्रांग हो जाए, मतलब वहां से प्रश्न छूटे ना, यही आपकी समझदारी है और यही सुपर टेट में सिलेक्शन दिलाने की सबसे बड़ी नींव है। इसके लिए किताबों की लिस्ट भी मैंने बनाई है, सिलेबस मैंने वीडियो डालो, सिलेबस को 2 से 3 बार देखिएगा, मैंने सभी सिलेबस में क्रम रूप से मैंने बताया इसमें कौन कौन सी किताबें महत्वपूर्ण है, कौन कौन सी किताब आपको पढ़नी चाहिए ताकि आप यहां से अच्छे अंक अर्जित कर सके। तो सुपर टेट एग्जाम के लिए इससे अलावा बहुत सारे आपके मन में सवाल आ रहे होंगे कि क्या पढ़े, कैसे पढ़े, कब तक परीक्षा होगी, ये बातें अलग रखिए। सबसे पहले फोकस करें सिलेक्शन पे, क्योंकि देखिए टेट सीटेट पास लोगों की संख्या 8 से 10 लाख हो गई है, इन 8 से 10 लाख लोगों में से सिलेक्शन होने के जो प्रबल संभावना होती है 50 से 60 हजार ऐसे होते हैं जो वास्तविक दावेदार है, बाकी तो वही है जो बस टाइम पास कर रहे हैं या भर्ती का इंतजार कर रहे हैं या वो खाली ट्वीट पे या व्हाट्सएप पर इंस्टाग्राम पर सक्रिय हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो पूरी ईमानदारी के साथ आप लोगों की तरह मेहनत से पढ़ रहे हैं, उनको ये पता है कि भर्ती किसी भी दिन आएगी, और उस दिन अगर उनसे कोई चूक हो गई तो ये समाज, इसका परिवार खुद को अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे।
क्योंकि हर भर्ती हमें यह मानकर चलना है आपके जीवन की आखिरी भर्ती है। अगर आपने आज अपना बेहतर दिया, आज आपने बेस्ट दिया, आने वाले कल में आपको सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता, इस बात की गारंटी हम देते हैं। और आप भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश हो या दुनिया भारत में आईएएस के 300, 400, 700, 800 पोस्ट आते हैं, पोस्ट पूरे भारत के लड़के उसमें होते हैं, लेकिन जो उसके असली दावेदार होते हैं, जो मेहनती होते हैं, उनके साथ उनका लक भी साथ होता है और अंतिम रूप में चयन होकर जाते हैं। 3-3 पदों पर, 10-10 पदों पर लोग चयन होते हैं, तो फिर ये आपके लिए एक बड़ी बात है। आप ये मानिएगा, एक पद आपको चाहिए और एक पद के लिए आप पूरी जान लगा दीजिएगा, क्योंकि यही आपकी वास्तविक सच्चाई और यही आपके अंतिम रूप से विजय दिलाएगी आपकी मेहनत। आपके माँ बाप का आशीर्वाद आपकी मेहनत के ही आगे चल पाएगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं। खेत में बहुत बार आएगा, आपको टूट जाएंगे, भर्ती नहीं आ रही, मैं क्या करूं, परिवार वाले कभी पैसे नहीं देंगे। जो विवाहित महिला, उनके लिए घर परिवार देखना, ससुराल को देखना, कुछ को बच्चे हैं, बच्चों को देखना, उसके बाद भी पढ़ना होता है, लेकिन अंत में वही निखरता है जो इन सबसे कुछ बड़ा, कुछ बेहतर करता है। इतिहास उन्हीं नामों को याद रखता है जो धारा के विपरीत चलकर खुद का इतिहास बनाते हैं, और आप उनमें से हैं। आपके सामने कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास पैसे नहीं होंगे पढ़ने के लिए, कुछ के पास समय नहीं है पढ़ने के लिए, कुछ चाहते हैं उनका मन नहीं करता है, कुछ के ऊपर पारिवारिक प्रेशर है, कुछ के आर्थिक, कुछ के सामाजिक, कई प्रकार के प्रेशर, कई प्रकार के दबाव हैं, कुछ इस बात से परेशान है आखिर भर्ती कब आएगी, कब हम पढ़ेंगे। और उसमें से कुछ ऐसे हैं जो कछुए की चाल से प्रतिदिन पढ़ रहे हैं, डेली पढ़ रहे हैं, और अपना एक एक दिन अपने अध्ययन अध्यापन के लिए बिता रहे हैं, अपनी आने वाली सफलता की नींव की एक एक ईंट रखकर अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। आने वाले समय में दुनिया की कितनी बड़ी भूकंप क्यों ना जाए, उनकी सफलता को हिला नहीं सकती, उनकी सफलता को डिगा नहीं सकती। इसलिए आप सभी लोग अपना फोकस करिएगा और अपने सिलेबस को ध्यान में रखकर एक नोट बनाइएगा, क्या क्या आपको आता है, क्या क्या नहीं आता, क्या क्या कम आता, कम आने वाले जो है उस पर मेहनत करिएगा, ज्यादा जो आपको आता है उस पर क्या करिएगा, रिविजन करिएगा, जो नहीं आता उससे कोशिश करिएगा कैसे है। उसके लिए आप ई-लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स पढ़ लीजिएगा, मार्केट में बहुत सारी किताबें पढ़ सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस सेट हमेशा करते रहिएगा। प्रैक्टिस सेट से हम अपने आप को आंक पाते हैं हम कितने पानी में है और हमें भी कितने पानी की गहराई तक और जा पाना है, ये सब आपके लिए बहुत मायने रखता है। इसलिए आप लोग के लिए मैं सोमवार से ई-लर्निंग विद दुर्गेश पे लाइव क्लासेस लेकर आ रहा हूँ। ये क्लासेस मेरे द्वारा निशुल्क होंगी, देशित में, राजित में, उसके अलावा अगर चाहे तो ऑनलाइन क्लास आप भी जोड़ सकते हैं, और ये सभी क्लास की जो लिंक है आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है दुर्गेश बिना स्पेस के, ई-लर्निंग विद दुर्गेश आएगा, वहां पर ज्वाइन करके प्रतिदिन सभी क्लासेस पढ़ सकते हैं। नोट्स के माध्यम से पढ़ाएंगे, नोट्स की जो पीडीएफ होगी वो भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। आज ही आप लोग टेलीग्राम पे दुर्गेश सर सर्च करके जरूर जुड़िएगा। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं घर बैठे सभी क्लासेस पढ़ने के लिए, तो अभी लर्निंग विद दुर्गेश का जो ऑफिस का नंबर है इस पर कॉल कर सकते हैं एनसीईआरटी के लिए, और सभी जो क्लास की लिंक है, सभी कंप्लीट क्लास अगर आपको चाहिए तो ई-लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप डाउनलोड करिएगा, वहां से आप सभी क्लासेस, उसके साथ साथ वहां पे सभी के नोट्स भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप जौनपुर से हैं तो यहां पे एक नंबर हम और आपको मिल जाएगा, यह आपके काम आ जाएगा, ये सभी यहां पर आप नोट्स और क्लास संबंधी जानकारी ले सकते हैं। और ये आने वाला सोमवार आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, सोमवार से हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं सभी क्लास के जो शेड्यूल है, जो टाइम टेबल है, क्रमारूप से ई-लर्निंग विद दुर्गेश के टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। फेसबुक पर भी आपको क्लासेस चलती है हमारी, वहां पर भी आप देख सकते हैं। मुझे जब भी समय मिलता है मैं आपके लिए निःशुल्क क्लासेस लेकर आता रहता हूं। आपका कोई व्यक्तिगत सवाल है, ई-लर्निंग विद दुर्गेश के इंस्टाग्राम पर अपने सवाल पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अपने मित्रों को शेयर करिएगा जो निराश हो चुके हैं, जो हार गए, जिनको ये लगता है कि नहीं अब उनसे नहीं होगा, अब वो एक सरकारी शिक्षक, शिक्षिका बनने का सपना है वो नहीं पूरा कर पाएंगे, उन सभी के लिए ये महत्वपूर्ण होगी, उन सभी के लिए ये काफी एक खुद के लिए अपने आप को बूस्ट करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। खुद मत हारिएगा, तब तक आपको नहीं हारना जब तक सफलता आपको न मिल जाए, जब तक आप अंतिम रूप से चयनित न हो जाए, जब तक मेरिट लिस्ट में नाम ना आ जाए, जब तक आपको विद्यालय आवंटित न हो जाए, तब तक जान लगा के रखिए, कुछ दिन अपने आप को संभाल के रखिए, थोड़े दिन और यकीन मानिए अगली द्वार पर आपके सफलता खड़ी है, इस द्वार पर आप और अगली द्वार पर आपकी सफलता है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, बस खुद से कभी मत हारिएगा, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं हरा सकती, अपने अंदर जीत का जुनून रखिएगा। देर होगा, दुरुस्त होगा, कुछ लोग गुमराह करेंगे, भर्ती नहीं आएगी, मत पढ़ो, आपका नहीं होगा, आपके बस का नहीं है, आप काम करो, पढ़े नहीं दिया जाएगा, कहेंगे नहीं अच्छा है ये चीजें, लेकिन आप हमेशा अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखिएगा और यकीन मानिए एक दिन आपके दरवाजे सफलता का सूरज आएगा। प्रतिदिन आपके द्वारा इस मेहनत ईंट एक दिन सफलता की वो इमारत बनाएगी जो दुनिया की कोई भी असफलता रूपी भूकंप उसे हिला नहीं सकती, उसे डिगा नहीं सकती। इसलिए मेरी शुभकामना आपके साथ है, आप बेस्ट करिएगा, बेहतर करिएगा, कोई सुझाव कोई सलाह हम आपके साथ हैं, और आप ऑनलाइन क्लास के लिए जुड़े रहिए। प्रतिदिन आपके लिए ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर रात 9 बजे
जी हाँ, अभी तो 9 बजे शुरू होगी, आगे चल के हो सकता है 9:30 पर हो जाए, तो 9 बजे आपकी क्लासेस लाइव चलेंगी। यह सब क्लासेज आप प्रतिदिन लेते रहिएगा, ये निःशुल्क क्लासेज होंगी, अपने मोबाइल में अलार्म लगा के रखिएगा। इसकी लिंक भी आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन होगा। आपके लिए ई लर्निंग विद दुर्गेश पर एक निःशुल्क चैनल बनाया यूट्यूब, जहां पर आप सुपर टेट के सभी क्लासेज निःशुल्क पूरा पढ़ सकते हैं। सुपर टेट विद दुर्गेश सर, सुपर टेट विद दुर्गेश सर, उसकी भी लिंक आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। उस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिएगा, वहां पर भी आपके सारे क्लास मिल जाएगी, सभी सेक्शन आप वहां पे पढ़ सकते हैं। आप सभी को फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर करे आप अपने माँ बाप का सपना पूरा करें, खुद का सपना पूरा करें, और अपने आप में एक सरकार शिक्षक शिक्षिका के रूप में अपने आप को साबित करें, लोगों के सामने रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर करिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, फेसबुक वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करके रखिएगा, ताकि हम आपकी तरह प्रतिदिन आने वाले समय में डेली क्लासेस लेकर आए। 9 बजे और सुबह 7 बजे भी आपके लिए जीएस की सीरीज आती है, सुबह 9:30 बजे, रात 9:30 बजे, हर समय आपके लिए क्लासेज आ रही है। सभी का टाइम टेबल टेलीग्राम पर मिलता रहेगा, आप साथ दीजिएगा, हम आपको परिणाम तक ले चलेंगे, ताकि अब की बार एक सीट हमार का सपना पूरा हो सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और कोशिश करिएगा नकारात्मक लोगों से, नकारात्मक सोच से दूर रहिएगा, अपने अंदर सफलता की अलग जगा कर रखिएगा, यही अंतिम रूप से आपको सफलता के दरवाजे तक छोड़ेगी। जय हिंद, जय भारत।